हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक लोकल कंपनी का टीवी लेके आया हूँ। ये आइकॉनिक कंपनी का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले ढूंढ लेते हैं। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर जल रहा है और जलने के बाद टीवी भी स्टार्टिंग हो जाता है। और टीवी स्टार्टिंग होने के बाद हमारा टीवी पे कैसे पिक्चर आ रहा है, देखिए पूरी तरह से ब्लोअर पिक्चर है। अंदर में तो पिक्चर है लेकिन जो कॉन्टेस्ट जो आना चाहिए, क्लियरनेस आना चाहिए, वो क्लियरनेस हमारा टीवी पे नहीं है। मतलब दोस्तों इसका जो पिक्चर है, पिक्चर का प्रॉब्लम दे रहा है, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने के लिए जो सिस्टम को मैं बताऊँगा, देखिए इसका जो मेनू है, मेनू दबाता हूँ तो कैसे लोगो आ रहा है। मतलब हमारा ब्लोअर पिक्चर पूरी तरह से धुआं सा एक पिक्चर आ रहा है और हमारा पिक्चर पे शैडो भी है। मतलब दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए पहले टीवी को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद ही देखूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये हमारा 14 इंच का ट्यूब है। ए रहा योक कॉयल, ए रहा बेस पीसीबी, ए रहा मेन पीसीबी। दोस्तों ये जो ट्यूब यूज किया गया है ये लोकल ट्यूब टीवी है, इसीलिए कि अब मैं बता रहा था ये हमारा मॉनिटर का जो टीवी होता था पहले उसका ट्यूब यूज किया गया है। और ये बजट कम बजट का है हमारा ये वाला टीवी है। और इसका जो प्रॉब्लम आया है वो देखने के लिए पहले पीसीबी को पलट लेता हूँ। और पलटने के बाद एक एक करके सारा वोल्टेज को चेक कर लेंगे, क्योंकि वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो इस वाला प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो हमारा पावर सेक्शन से रिलेटेड जो वोल्टेज निकल के आता है और उसके बाद रेगुलेटर सिस्टम को ऑन करता है स्टैंड बाई से, उसके बाद क्या होता है हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन वर्टिकल सेक्शन रन करता है, उसके बाद ESC रन होता है, उसके बाद हमारा RGB ऑन होता है। RGB पे हमारा जो 180 वोल्ट जो होता है, 200 वोल्ट होता है, वो हमारा ट्यूब को वोल्टेज पास करता है, इसके बाद ही हमारा पिक्चर ऑन होता है। ठीक है, वो एक एक करके पूरी तरह से सिस्टम को चेक करना जरूरी है, नहीं तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं एक एक करके वोल्टेज को देख लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद जो सिस्टमेटिक वोल्टेज होता है उसको चेक कर लेंगे। जैसे हमारा ESC को सप्लाई देने के लिए एक वोल्टेज दिया जाता है, देखिए 110 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज सही है। उसके बाद एक वोल्टेज देखेंगे, ये हमारा 27 बता रहा है, वो भी सही है। उसके बाद वोल्टेज देखेंगे 12 वोल्ट, वो भी सही है पावर सेक्शन पे। उसके बाद इस वाला प्रॉब्लम पे देखेंगे जो हमारा 14 वोल्ट से 16 वोल्ट होता है, जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया जाता है, और जो हमारा 27 वोल्ट होता है वो हमारा वर्टिकल सप्लाई के लिए दिया जाता है, और हमारा जो कॉयल होता है हॉरिजेंटल जो कॉयल होता है कॉयल को सप्लाई दिया जाता है। इस पर देखिए हमारा 27 बताएगा, इस पर 18 बता रहा है, मतलब इस पर जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और रेजिस्टेंस के बाद हमारा 27 बताएगा। मतलब हमारा पावर सेक्शन से रिलेटेड सभी वोल्टेज सही है। उसके बाद क्या होता है, हमारा रेगुलेटर सेक्शन को चेक कर लेंगे। जैसे हमारा 12 वोल्ट ऑन हो गया है, उसके बाद हमारा ये वाला जो IC है, IC को हमारा 5 वोल्ट मिल गया IFROM को और हमारा मेन IC को स्टार्टिंग करने के लिए। स्टार्टिंग करने के बाद हमारा जो स्टैंड बाई पिन होता है, स्टैंड बाई पिन ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद हमारा रेगुलेटर वोल्टेज तैयार हो जाता है। जैसे हमारा 5 वोल्ट होता है, 8 वोल्ट होता है, 8 वोल्ट हमारा मिलेगा इस वाला पॉइंट पे, जो हमारा बेस PCB को जो सप्लाई दिया जाता है RGB का पॉइंट। इस पे देखिए RGB लिखा हुआ है, देखिए 8 वोल्ट BGR ग्राउंड, मतलब इस पे हमारा 8 वोल्ट मिलेगा, 8.2 वोल्ट, मतलब हमारा AB वाला वोल्टेज सही दिख रहा है। उसके बाद 5 वोल्ट कहाँ पे मिलेगा, ए ट्यूनर पे मिल जाएगा आप लोगों को, देखिए 5.1। मतलब क्या हुआ, हमारा रेगुलेटर सेक्शन पे भी जो वोल्टेज मिलना चाहिए था वो वाला वोल्टेज हमारा मिल रहा है। उसके बाद हमारा हॉरिजेंटल वर्टिकल जो ऑन होना चाहिए IC से, वो भी ऑन हो रहा है, क्योंकि हमारा पिक्चर ऑन है। क्यों पिक्चर ऑन है बता रहा था, इस पे जो हमारा 27 वोल्ट मिलता है, 27 वोल्ट इस पे इन होता है, उसके बाद हमारा अप डाउन का पिक्चर जो होता है वो पिक्चर हमारा वर्टिकल सेक्शन काम करता है।
और हमारा ईएसटी सेक्शन पे हॉरिजेंटल सेक्शन जो होता है वो हॉरिजेंटल सेक्शन हमारा काम करता है। ईयोक कॉइल का जो लेफ्ट राइट का पिक्चर होता है वो लेफ्ट राइट का पिक्चर के लिए हमारा दिया जाता है। अभी तक देखिए हमारा पिक्चर ब्लोअर दिख रहा है और हमारा ईएसटी ऑन होने के बाद और भी कुछ सिस्टम दिया जाता है, जैसे हमारा इस पे हीटर का वोल्टेज मिल जाता है, ग्राउंड होता है और 180 वोल्ट मिलता है। वो 180 वोल्ट कहाँ पे आ जाता है, जो हमारा बेस पीसीबी होता है इस पे। तो हमारा एक तो हमारा 8 वोल्ट मिल गया, आरजीबी मिल गया और ग्राउंड मिल गया। उसके बाद इस वाला जो ट्रैक होता है, ये वाला ट्रैक पे हमारा मिलता है 180 वोल्ट, हमारा हीटर वोल्टेज और हमारा ग्राउंड। हीटर वोल्टेज हमारा एसी पे होता है, वो मापना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो ये लाइट नहीं आता, हीटर ऑन है और हमारा इस पे फिलामेंट भी ऑन दिख रहा है। उसके बाद हमारा 180 वोल्ट जो होता है इस पे हमारा 180 वोल्ट मिलता है। देखिए 180 वोल्ट जगह पे हमारा 109 वोल्ट मिल रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, जो हमारा ईएसटी को इन होता है 111 वोल्ट, वही वोल्टेज हमारा आउटपुट कर रहा है जो हमारा 180 वोल्ट के जगह पे, देखिए 109 वोल्ट। और ये बूस्टिंग करने के बाद जो हमारा वोल्टेज बढ़ना चाहिए था वो वाला वोल्टेज नहीं बढ़ा, क्योंकि हमारा एक सिस्टम फॉल्ट है। जैसे क्या होता है, हमारा ईएसटी से तो वोल्टेज निकल के आ रहा है, उसके बाद जो हमारा डायोड पे, डायोड के बाद हमारा एक फिल्टरिंग कैपेसिटर लगाया होता हुआ होता है, ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये जब तक फिल्टरिंग नहीं करेगा, वोल्टेज को स्टॉक नहीं करेगा, तो हमारा ये वाला वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। इसीलिए देखिए मैं टीवी को बंद कर देता हूँ और इसको फिर से पीसीबी को पलट लेता हूँ। पलटने के बाद देखिए ये हमारा 180 वोल्ट का कैपेसिटर, ये ऊपर साइड से पूरी तरह से फूल गया है, नीचे साइड से भी फूल गया है। मतलब ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। और एक चीज़ बता दो, और एक चीज़ दिख रहा है मुझको, ये देखिए हमारा जो 27 वोल्ट का जो कैपेसिटर है ये भी ख़राब हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी तक ख़राब नहीं है, थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, ऊपर साइड से फूल गया है, लेकिन ये काम कर रहा है। लेकिन ये जो 180 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर अंदर से ख़राब, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, इसीलिए फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा है और ये बूस्टिंग भी नहीं हो रहा है, वोल्टेज को स्टॉक नहीं कर पा रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, ये हमारे 250 वोल्ट का कैपेसिटर था, ये 10 यूएफ का होगा शायद, नहीं इस पर देखेंगे, 10 यूएफ का हमारा कैपेसिटर है 250 वोल्ट का, ये वाला कैपेसिटर को मैं चेंज करूँगा। और चेंज करने के बाद देखेंगे हमारा जो वोल्टेज कम हो गया है वो वाला वोल्टेज हमारा आता है कि नहीं। ठीक है, ए बी कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं, ए बी कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं। दोस्तों मैंने दोनों कैपेसिटर को चेंज कर चुका हूँ, ये दोनों कैपेसिटर, ये 250 वोल्ट का कैपेसिटर था और ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर था। दोस्तों देखिए ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर, ये ऊपर साइड से थोड़ा सा फूल गया था, लेकिन अंदर से अभी तक सही था और इसको चेंज करना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये भी ख़राब हो गया होगा, इसीलिए क्या करेंगे इसको चेंज कर दिया हूँ मैंने। और इसका नंबर था 470 यूएफ का, 35 वोल्ट का कैपेसिटर था, और मैंने इसको लगा दिया हूँ 1000 यूएफ का, 35 वोल्ट का कैपेसिटर। और जो 250 वोल्ट का जो कैपेसिटर था, देखिए ये हमारा 10 यूएफ का 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, और देखिए ऊपर साइड से भी फूल गया है और नीचे साइड से भी बास्ट हो चुका है, इसीलिए ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, इसीलिए फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा था। और इसके बदले में मैं वही नंबर का 10 यूएफ का 250 वोल्ट का कैपेसिटर मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ। और कनेक्ट कर देने के बाद इसका जो वोल्टेज का प्रॉब्लम दे रहा था वो वाला वोल्टेज को फिर से एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि उसका वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम ही था। क्योंकि ये जब 180 वोल्ट जब तक हमारा आरजीबी पे नहीं आएगा तो बेस पीसीबी काम नहीं करेगा और पिक्चर भी क्लियर नहीं करेगा, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम दे रहा था शायद। मैं टीवी को ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ और पावर देने के बाद इसका जो वोल्टेज प्रॉब्लम था वो वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे इस पे हमारा 109 वोल्ट आ रहा था, उस पे हमारा वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए 100 पे
180 वोल्ट के जगह पे हमारा 200 वोल्ट आ चुका है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा है। और इसका जो वोल्टेज प्रॉब्लम था 109 वोल्ट आ गया था, इसका फिल्टरिंग कैपेसिटर ख़राब होने के कारण ही हो रहा था। और इसीलिए मैंने इसको कैपेसिटर को चेंज कर देने के बाद ये वोल्टेज को फिल्टरिंग करना शुरू कर दिया और इसका वोल्टेज को स्टॉक करना भी शुरू कर दिया। और उसके बाद इस पर भी वोल्टेज आ गया, ये देखिए इस पर जो हमारा RGB पे वोल्टेज आना चाहिए वो वाला वोल्टेज भी 201 बता रहा है। और देखिए हमारा TV पे ब्लू स्क्रीन भी आ चुका है, और ब्लू स्क्रीन आने के बाद हमारा इसे पिक्चर भी आना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको ये भी कनेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो पिक्चर नहीं देखेगा। ठीक है, मैं ये भी कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने AV को कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट कर देने के बाद हमारा TV पे भी पिक्चर आ चुका है। देखिए हमारा पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो TV का पिक्चर ब्लोअर होके आ रहा था, अंदर में तो पिक्चर था लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं था। जब मैंने TV को ओपन करके देखा, वोल्टेज चेक किया, तो मुझे पता चला 180 वोल्ट के जगह पे हमारा मिल रहा था 109 वोल्ट, इसीलिए ही ये वाला प्रॉब्लम दे रहा था। और मैंने ये वाला कैपेसिटर को चेंज कर दिया, और मुझे देखा ये वाला कैपेसिटर भी ख़राब था, इसीलिए इसको चेंज कर देने के बाद हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।